तो श्रीनगर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लाल चौक शहर का वो इलाका है जिसके माहौल का थर्मामीटर माना जाता है और वहां से ही बैरिकेड हट रहे हैं। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पहरे में रहा, सियासत भी हुई, लेकिन हालात को लेकर अब ताजी तस्वीर देखिए संवाददाता आशुतोष के साथ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज 22वां दिन है और इस 22वें दिन जैसे कहते हैं कि श्रीनगर में कैसे हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वक्त लगेगा लेकिन जिंदगी पटरी पर लौट रही है। मैं जहां खड़ा हूं ये कश्मीर का ऐतिहासिक लाल चौक का इलाका है। जब भी कश्मीर में जोर से पत्ता भी खड़कता था सबसे पहले यहां हालात तनावपूर्ण हो जाते थे। 22वें दिन लाल चौक के पास न कोई बैरिकेड है न कटीले तार हैं। इन सड़कों पर गाड़ियां अब आ जा रही हैं। दुकानें पूरे लाल चौक में हालांकि दुकानें बंद हैं, एक भी दुकानें नहीं खुली हैं। 22वें जाहिर है सरकार अगर कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं, नियंत्रण में ज़रूर है लेकिन सामान्य नहीं है। लेकिन हाँ, जिंदगी सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी सड़कों पर हैं लेकिन सबसे जो दिलचस्प तस्वीर है वो इस लाल चौक की है। यहाँ पर चारों ओर बैरिकेड हुआ करते थे। यहाँ इस इलाके से आना जाना लगभग बंद था, यहाँ पर पाबंदी थी, लेकिन धीरे धीरे पाबंदियों को कम किया जा रहा है। ज़्यादातर इलाकों में लैंडलाइन की सुविधाएं श्रीनगर में रिस्टोर कर दी गई हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन अभी भी बंद है, मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट पर अभी भी रोक है और अभी भी अनिश्चितता है कि आखिर मोबाइल फ़ोन कश्मीर में कब शुरू होंगे, इंटरनेट कब शुरू होगा। लेकिन इसके साथ साथ कानून व्यवस्था खराब ना हो वो एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है इन कंधों पर CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इनके ऊपर जिम्मेदारी है और इसीलिए मुस्तैदी से क्या सुबह क्या दोपहर क्या शाम क्या रात यहाँ पर मुस्तैद हैं जो भी संवेदनशील, क्योंकि इसके आगे से जो डाउनटाउन का इलाका जहाँ शुरू होता है संवेदनशील इलाके माने जाते हैं कश्मीर के। लेकिन आज 22वें दिन के बाद हालात कैसे सामान्य हो रहे हैं ये उसकी तस्वीर है। मैं इस लाल चौक पर खड़ा होके यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लाल चौक पर हालात सामान्य हैं, जाहिर है कश्मीर एक बार फिर अमन सुकून और सामान्य तौर से पटरी पर लौट रहा है। श्रीनगर में इस ऐतिहासिक लाल चौक पर मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक। तो हालात किस तरह से तेजी से अब सामान्य हो रहे हैं, बारामूला की तस्वीर देखिए, वहां पर फुटबॉल खेला जा रहा है ग्राउंड में, ये दर्शाता है और दिखाता है किस तरह से अब धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लौट रही है। हालांकि श्रीनगर में अभी मोबाइल सेवा पर रोक जारी है और लाल चौक से भी आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर अब जिंदगी सामान्य है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हौसला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।